हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार ESP चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और ये क्वेश्चंस सभी एग्जामिनेशंस के लिए अति संभावित है। इन क्वेश्चंस का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मध्यकालीन भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी समय भारतीय कला, भाषा, संस्कृति, धर्म, ऐतिहासिक घटनाओं, शासकों आदि का विकास हुआ था। तो जानते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? भारत में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? पहला ऑप्शन है तुर्क, बी ऑप्शन है मुगल, सी ऑप्शन है तुर्क एवं मुगल दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा, तुर्क एवं मुगल दोनों ने। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियां लिखने की परंपरा विकसित थी जिन्हें कहते थे? ऑप्शन ए यस्मा उल रिजाल, ऑप्शन बी अनसाब, ऑप्शन सी तबकात, ऑप्शन डी मनाकिब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनसाब। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनसाब, ऑप्शन बी मनाकिब, ऑप्शन सी सीरत, ऑप्शन डी यस्मा उल रिजाल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बद्रुद्दीन यानी कि बद्र एचाच द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है शाहनामा, ऑप्शन बी चचनामा, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोजशाही, ऑप्शन डी ताज उल मासिर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शाहनामा। अगला क्वेश्चन है नैतिक उपदेश, पांचवा क्वेश्चन है, नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचनाओं में सर्वप्रथम शमसे सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए तहकीक ए हिंद, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोजशाही, ऑप्शन डी ताज उल मासिर। इस क्वेश्चन में सही जवाब है ऑप्शन सी तारीख ए फिरोजशाही। अगला क्वेश्चन है दीवान ए चाच किसकी रचना है? दीवान ए चाच किसकी रचना है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी मिनहाज उ सिराज, ऑप्शन सी बद्र ए चाच, ऑप्शन डी शमसे सिराज अफीफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बद्र ए चाच। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं, अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी चचनामा, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोजशाही, ऑप्शन डी ताजुल मासिर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। आठवां क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी अबू बकर कूफी, ऑप्शन सी बद्र ए चाच, ऑप्शन डी शमसे सिराज अफीफ। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा अबू बकर कूफी। अगला क्वेश्चन है,
तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए शमसे सिराज अफीफ, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी हसन निजामी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अलबरूनी। दसवां क्वेश्चन है, सचाऊ ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? ऑप्शन ए किताबुल ए हिंद, ऑप्शन बी ताज उल मासिर, ऑप्शन सी शाहनामा, ऑप्शन डी चचनामा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, किताबुल ए हिंद। तो दोस्तों ये थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत से जुड़े एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।